हाय पेरेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। देखिए ऑल के, ये मैं कोफ्ते बनाने जा रहा हूँ। अब इसको मैं छीलूँगा, तो इसको छीलूँगा, देख सकते हैं। तो ये ऑल लिया हुआ है, तो इसका कोफ्ते बनाएंगे हम आज। आज मैं अपने घर में हूँ, तो इसीलिए देख सकते हैं ये। तो मैं इसका ऑल कोफ्ते के लिए तैयारी कर रहा हूँ, इसको मैं छीलूँगा। देख सकते हैं ये, मैं ये ऑल छील रहा हूँ। ये देखिए ऐसे करके छीलना होता है। ये देखिए, ये देखिए। और उसके बाद इसको देख सकते हैं, इसका कद्दूकस करके देखा इसका। ये देखिए मैंने इसको छील चुका है, तो ये देखिए अब मैं इसको कद्दूकस कर रहा है। देखिए ये ऐसे करके कद्दूकस कर इसको देखा, जूम करके थोड़ा दूर से आपसे थोड़ा पास में, मत हिलाओगे ज़्यादा, ऐसे करके कर दूँगा इसका। अब मैं करके देखाऊंगा इसके ऊपर, देख सकते हैं ऑल मैंने कद्दूकस कर चुका हूँ। तो इसको अब ये कोफ्ते बनाने के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी, ये देख सकते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्ची, ये और जीरा, ये देखिए जीरा, ये देख सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे मैदा, डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए मिक्स करने के लिए। ये मैदा या बेसन भी ले सकते हैं आप, ऐसे कोई भी नहीं। ये देखिए इसको मैं कोफ्ते बनाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो देखिए ये इसको ऐसे करके मिक्स करना है अच्छी तरह कर। जैसे हम घर में भी पकौड़ा बनाते थे, ऐसे मिक्स कर सकते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल। ऐसे मिक्स कर सकते हैं हम। एक देख सकते हैं इसमें अब सब कुछ आपके आगे मिक्स किया था मैंने। और इसमें डालूंगा मैं थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। इसको पकौड़े बनाना है तो गोल गोल टाइप का। ऐसे करके गोल गोल बनाना है तो थोड़ा ऊपर देखा हुआ है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बनाना है। देखिए मिक्स हो चुका है। तो देख सकते हैं आज मैं ये आग जलाया हुआ था, घर आया था तो आग में बना रहा हूँ। तो ये तेल गर्म हो चुका है, ये देखिए आग भी जल रहा है। ये देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है था। और ये देखिए ये पकौड़े के लिए वो लिया हुआ था, ये देख सकते हैं। अब ऐसे ऐसे गोल बनाकर फ्राई करना। आप तो गैस में बना सकते हैं, आज मैं आग में बनाकर ट्राई कर सकता हूँ। ये देखिए देखिए आज सोचता हूँ आग में बनाऊँ, आग में बनाए हुआ चीज़ अच्छा होता है ना, इसीलिए। ये देखिए बड़े बड़े बना रहा हूँ, तो देख सकते हैं। इसको छोड़ा भी, इसको हम ऐसे देखेंगे। ये चल इसको ऐसे पकड़ता तो मैंने ऐसे देखा, ऐसे देखते हैं इसको क्या होगा। बहुत बड़े बड़े बनाए मैंने, है ना। चल पकड़ इसको, एक जगह रखो ना, हिलाना नहीं होता है मोबाइल, मालूम है।
आपने कैसे जल्दी पकाए, ऐसे रखना है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। कोई बात छोड़, मैं पकड़ रहा हूँ। लकड़ी डाल इसमें, लकड़ी डाल, ये भी डालना सीधा करके थोड़ा। देखो लकड़ी में पकाने से जल्दी भी पकता है और अच्छा, लकड़ी में खाना उसी क्या है कि अच्छा पक जाता है। बस अभी मत डाल ज़्यादा, बन अब ज़्यादा जल रहे, देख सकते हैं। जल्दी इधर आ, देखिए ये पकौड़ा, ये वाला पहले वाला पकौड़ा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं। ये देखिए, आग में पूरा, आग में पका रहा हूँ आज मेरे फ्रेंड लोग को दिखाने के लिए कि मैं आग में भी पका सकता हूँ। ये देखिए, ये तैयार हो चुका था, दूसरी लोट डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये देखो आग में बहुत जल्दी होता है, गैस से जल्दी होता है। ये देखिए, पकड़ इसको ऐसे करके, ऐसे करके देखो, बस पकड़े। थोड़ा पास में सिर्फ देखा ना, और कितना अच्छा, मत हिला, ज़्यादा नहीं हिलाना होता है, फिर उससे अच्छा नहीं लगा। देखा, ये देखिए, अब इसको और पकाएंगे। देखिए ना, लकड़ी में पका रहे हैं, लकड़ी में। देखिए फ्रेंड्स, ये तैयार हो चुका है, अब इसका कर ग्रेवी बनाने की तैयारी कर रहा हूँ मैं, देख सकते हैं। ये पकौड़ा आग में बना रहा हूँ आज, देखिए अब फ्रेंड्स के लिए कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा देख लीजिए। ये वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर, बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए जी। ये देख सकते हैं आग में, आज में घर आया था तो इसीलिए आग में पका रहा हूँ मैं, दिखाने के लिए, देख सकते हैं। अब हम इसको बनाएंगे ग्रेवी, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, देख सकते हैं। पकौड़ा बन करता रह चुका है था, ये देख सकते हैं। प्याज लिया, मिर्ची लिया और अदरक, ये लहसुन लिया, इसको प्याज ग्राइंडर करके हम करेंगे मिक्सी में। ये मैंने मिक्सी तो ये देख सकते हैं, ये इसका पीसेंगे, अब दिखाऊंगा मैं पीस करता। ये देखिए, हम इसको बारीक पीसेंगे ग्रेवी के लिए। ये देख सकते हैं, ये प्याज मैंने ग्राइंडर कर लिया, और साथ में ये देखिए टमाटर लिया, और थोड़ा सा ग्रेवी बनाना था, अब इसको भी ग्राइंडर करूंगा मैं, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, टमाटर हो गया, ये दोनों चीज़ कर लिया है। अब उधर जाऊँगा, आग में बनाना है तो मैं आग में दिखाऊँगा आपको बनाकर, देख सकते हैं। देख सकते हैं, हमने तेल खाली किया था, उसी आग में ही बना रहा हूँ। ये देखिए, मैंने ये जो प्याज का कद्दूकस किया था तो गिरन से डाल रहा हूँ। देखिए, इसमें भूलेंगे आप, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ब्राउन हो चुका है। अब हम डालेंगे नमक,
स्वाद अनुसार हम ये देखिए नमक थोड़ा नमक डालने से क्या है कि प्याज जल्दी पक जाता है और इसमें हम डालेंगे अब टमाटर जो मैंने ऊपर के रख मिक्स ग्राइंडर में पीसा हुआ था। तो ये देखिए काम और अच्छा लगेगा नहीं इसमें डालेंगे हम हल्दी थोड़ा और ये देखिए हल्दी और ये कश्मीरी लाल मिर्ची देखिए ग्रेवी वाला बनाएंगे और हम आप में बहुत मुश्किल होता है गर्मी में पकाना था और देख सकते हैं ग्रेवी लगभग तैयार होते इसमें और हम थोड़ा सा ग्रेवी डालेंगे पानी थोड़ा सा करी करी वाला बनाएंगे हम जब हमारी ग्रेवी उमल जाएगा तो ग्रेवी उमल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे जो ये कोफ्ता बनाया था देख सकते हैं कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना था है कि नहीं तो जरूर बताइए कमेंट लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना है और लोगों के पास भेज दीजिए जरूर तो देख सकते हैं आप तो देखिए फ्रेंड्स इसका ग्रेवी उमल चुका है आज आग में बना रहा हूँ गर्मी लग रहा है तो देख सकते हैं अब ये उमल चुका था हम ये जो बनाया था ये डालेंगे हम इसके ऊपर ये देखिए ये ऐसे करके ये देख सकते हैं ये हो गया ये देखिए आग में बना रहा हूँ तो कितना गर्मी लग रहा होगा आप नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट करना भी मत भूलिए शेयर कीजिए सकते तो बन चुका है ये तैयार हो चुका है लाइक जरूर करना सब्सक्राइब भी जरूर करना और शेयर भी कर दीजिए कमेंट भी कर दीजिए कैसा बना रहा कैसा लग रहा है आपको ये देखिए आग में पका रहा हूँ थैंक यू वेरी मच।